दोस्तों जुलाई महीने से पूरे नॉर्दर्न इंडिया में खासकर पंजाब और हरियाणा में किसान ट्रैक्टर रैलीज और प्रोटेस्ट के जरिए भारत सरकार के 3 ऑर्डिनेंस यानी कि 3 अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन कर रही है। जब उन किसानों की बात किसी भी सरकार ने नहीं सुनी तो वो किसान हरियाणा में रास्ते पर उतर आए और इसके जवाब में सरकार की तरफ से उन्हें क्या मिला, लाठीचार्ज और FIRs और किसानों की बात को मार कर दबा कर खत्म करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। मगर इस सिचुएशन से सबसे इम्पोर्टेंट 2 सवाल हमारे सामने आते हैं। पहला सवाल है, फार्मर कौन से 3 ऑर्डिनेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? और दूसरा सवाल है कि फार्मर्स उन ऑर्डिनेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? भाई इतना गलत क्या है उस ऑर्डिनेंस में कि फार्मर्स को रास्ते पर उतर आना पड़ा? दोस्तों इन्हीं 2 सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, मगर एक बात आपको पहले से ही कह देना चाहता हूँ कि हमारे देश की सस्ती दलाल बिकाऊ और घटिया मीडिया आपको कंगना कहाँ पर रो रही है और रिया जेल में क्या खाना खा रही है ये दिखाने में बिजी है। वो आपको फार्मर्स की बातें नहीं बताएंगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे किसानों की हमारे फार्मर्स की बात हर लोगों तक पहुंचे तो आप किसी भी ना सिर्फ इस वीडियो को किसी भी फार्मर्स की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों प्लीज। दोस्तों इन 3 ऑर्डिनेंस में से पहला ऑर्डिनेंस है एसेंशियल कम्युनिटी ऑर्डिनेंस 2020। दोस्तों इस ऑर्डिनेंस से एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 में जो जमाखोरी या फिर स्टॉक होल्डिंग पर अब तक जो रोक थी वो अमेंडमेंट करके हटा दी गई है। यहाँ पर किसानों को यह कहना है कि जमाखोरी को लीगल कर देने से व्यापारी जो है अब किसानों से कम दाम में कोई भी चीज खरीद के उसकी जमाखोरी करके बाद में जब हायर प्राइसेस आएंगे तब हाई प्राइस पे उस कम्युनिटी को बेच सकती है और इससे कंज्यूमर यानी कि हम लोग और किसान मतलब प्रोड्यूसर दोनों का ही बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दोस्तों मगर सरकार का यहाँ पर यह कहना है कि इस ऑर्डिनेंस की वजह से इंडिया में कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट जैसी इंडस्ट्रीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगी और फूड वेस्ट जैसा जो बड़ा मुद्दा है जो कि बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर की फूड वेस्ट, उससे हमें निपटारा मिल सकता है। दोस्तों दूसरा ऑर्डिनेंस है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। दोस्तों इस ऑर्डिनेंस से किसानों को अब तक एपीएमसी के बाहर उनका माल बेचने को जो परमिशन नहीं थी, जो रिस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया गया है। वैसे ही एपीएमसी के बाहर जाकर व्यापारियों को भी किसानों से माल खरीदने की जो परमिशन है अब वो दे दी गई है। दोस्तों यहाँ पर किसानों का ये कहना है कि अब तक एपीएमसी में उनको एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने की गारंटी थी, मगर अब एपीएमसी के बाहर उनको वो गारंटी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। उनका कहना है कि अब एपीएमसी के बाहर व्यापारी अपनी मनमानी कर उनसे कम भाव में कोई भी माल खरीद सकते हैं। मगर सरकार यहाँ पर यह कहती है कि किसानों को एपीएमसी के बाहर माल बेचने की परमिशन मिल जाने से अब किसान उनको ज्यादा प्राइस जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर माल बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जैसी फैसिलिटीज का यूज कर किसान अब भारत में कहीं पर भी उसका माल ज्यादा से ज्यादा प्राइस पर बेच सकता है। और दोस्तों तीसरा ऑर्डिनेंस है फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। दोस्तों इस ऑर्डिनेंस में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि फार्मर्स और कंपनियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होकर उस हिसाब से जो फार्मिंग की जाती है उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं और इस ऑर्डिनेंस में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज किया गया है, प्रमोट किया गया है। दोस्तों यहाँ पर किसानों का यह कहना है कि इस ऑर्डिनेंस में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो बढ़ावा मिल रहा है उस वजह से वो अपने ही लैंड पर यानी कि अपनी जमीन पर किराएदार की भूमिका में आ जाएंगे यानी कि वो लैंड ओनिंग टेनेंट बन जाएंगे। दोस्तों उनका कहना यह भी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाल में फंसने के बाद उनको बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जैसे कि पतंजलि जो अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है, वैसी बड़ी बड़ी एमएसईज के इशारों पर नाचना होगा, वो जैसा कहे वैसा ही काम करना होगा। एक तरीके से भारत में फिर से जमींदारी जैसी एक्सप्लोरेटरी सिस्टम चालू हो जाएंगी, ऐसा किसानों का कहना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी सरकार की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से इंडिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको प्रमोशन मिलेगा और यही नहीं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों इन शॉर्ट किसानों का यहाँ पर यह कहना है कि इन 3 ऑर्डिनेंस की वजह से उनकी जो एमएसपी और एपीएमसी जैसी जो सेफ्टी नेट्स है वो सरकार यहाँ पर छीन रही है और दूसरी तरफ मोदी सरकार का यहाँ पर यह कहना है कि इन 3 ऑर्डिनेंस की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ही ज्यादा विकास होगा। दोस्तों शायद यहाँ पर किसानों का सरकारी विकास पर से पूरे तरीके से भरोसा उठ चुका है और सरकार चाहे कितने भी बेनिफिट्स बता दे इन 3 ऑर्डिनेंस के किसान कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सोल्यूशन ये होना चाहिए था कि सरकार किसानों के साथ बैठकर उनसे चर्चा कर उनको अपने भरोसे में लेकर इस ऑर्डिनेंस के बारे में बताए और फिर उसमें जो चेंजेस करना है वो करे। मगर यहाँ पर हुआ क्या, जो प्रोटेस्ट करने वाले किसान थे उन पर ब्रूटली लाठी चार्ज किया गया और हजारों किसानों पर FIRs दर्ज कर दी गई। क्या यह सोल्यूशन हो सकता है? अगर कोई यहाँ पर यह कहता है कि किसानों को COVID-19 की वजह से ये नहीं करना चाहिए था तो उनको किसानों का ये जवाब था, कोविड में सभी देश के लोग देश की सरकार के साथ हैं, परंतु देश की सरकार और प्रदेश की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कोविड कुछ नहीं, वो रैलियां करके चले जाएं, वो अपने अभिनंदन करा के चले जाएं और किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसान उसकी आवाज उठा रहे हैं, आज उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, हम तो ये कहने आए हैं। दोस्तों इंडिया में हर 43 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है और दोस्तों इस सिचुएशन को सुधारने के लिए आप भी कुछ कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप किसानों को सही रिस्पेक्ट देना सीखिए, किसानों का इम्पोर्टेंस आपके जीवन में क्या है ये समझिए। दोस्तों डॉक्टर या फिर लॉयर की जरूरत शायद कभी कभी आपको जिंदगी में पड़ती होगी, मगर किसानों की जरूरत आपको हर रोज 3 टाइम खाने के वक्त पड़ती है।
अगर किसान उगाएगा नहीं तो आप क्या खाएंगे, जरा सोचिए इस बारे में। एंड इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरी फार्मर फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट एंड थैंक देम फॉर द लाइफ दे हैव गिवन टू यू। उसके बाद आप जब किसानों को समझने लग जाओगे तो उनकी प्रॉब्लम्स भी आपको दिखाई देंगी। आप उस प्रॉब्लम को सवाल के रूप में उठाइए। और इसके लिए अगर आप सिर्फ हैशटैग जस्टिस फॉर फार्मर या फिर रिस्पेक्ट फार्मर जैसे हैशटैग यूज करके ट्विटर पर एक ट्वीट भी मार दे तो उससे भी फर्क पड़ सकता है। और दोस्तों आपको यहीं पर रुकना नहीं है, आपको इन किसानों की प्रॉब्लम्स को मुद्दा बनाकर उन पर वोट करना चाहिए, ना कि किसी हिंदू मुस्लिम की डिबेट देखकर। दोस्तों अगर आपको ये सारी बातें सच्ची और अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय जवान, जय किसान। Thank you.